इंसान को रोटी कपड़ा और मकान के बाद जरूरत पड़ती है तो वो चीज है शिक्षा। जी हाँ, जिसके पास शिक्षा होती है वो उसका जीवन धन्य हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम सुनील सोलंकी है। गुरुश्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल पर वापस आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज बात करूंगा एजुकेशन सिस्टम की। देखिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही मतलब आउटडेटेड हो गया है, बहुत ही पुराना है। हम लोग 10-20 साल पुरानी किताबें पढ़ रहे हैं, जो 10-20 साल पहले हुआ है, बिल्कुल आउटडेटेड चीजें पढ़ रहे हैं। जो हम रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो एक्सपीरियंस हो नहीं पा रहा है। तो देखिए, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में प्रॉब्लम बताऊंगा, फिर अगली वीडियो में सॉल्यूशंस बताऊंगा कि इन सबके सॉल्यूशंस क्या है, और हमारी गुरुश्री कोचिंग क्लासेस इसका सॉल्यूशन लेकर के आ रही है आपके शहर रतलाम में। ओके, तो अब हम देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमारे पास में। देखिए, रियल टाइम कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। मतलब ये कि हमको आगे बढ़ना, कि हम एजुकेशन क्यों ले रहे। देखिए, हम बच्चे हमारे इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि वो रियल लाइफ में कुछ कर पाए, जब बड़े हो जाए तब कुछ कर पाए, या तो बिजनेस हो या फिर जॉब हो। ठीक है, तो हमारा जो रियल टाइम एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, या तो जॉब एक्सपीरियंस या फिर रियल टाइम एक्सपीरियंस। जैसे कि अगर किसी को जॉब में जाना है, किसी को IAS ऑफिसर बनना है, किसी को IPS ऑफिसर बनना है, या किसी को क्लर्क बनना है, बैंक में जॉब चाहिए वगैरह, तो आप पहले उन बच्चों को दिखाइए तो सही कि वो कैसे काम करते हैं, उनका शेड्यूल क्या रहता है, किस तरीके से वो काम करते। नहीं, बस बच्चों को दिया जाता है, भैया आपको ये बनना है, आपको ये बनना है, बस बच्चों को बेवकूफों की तरह, हम्मालों की तरह, गधों की तरह बस उस चीज में झोंक दिया जाता है। लेकिन आपको रियल लाइफ में पता ही नहीं वो काम कैसे क्या होता है, उसको करना क्या होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही अजीब चीज है। उसके बाद में देखिए, स्टैग्नेंट सिलेबस है। मतलब ये कि बहुत ही आउटडेटेड सिलेबस है आप लोगों का, और यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को मतलब 10-20 साल पुरानी बुक्स पढ़ाई जा रही है, जो उस टाइम पर हुआ है 10-20 साल पहले। अभी भी हम कंप्यूटर भी ऐसा पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर्स की सिलेबस देखिए आप उठा करके, मतलब बहुत ही आउटडेटेड सिलेबस है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो रही है। लैक ऑफ काउंसलर्स है। मतलब देखिए, 10th के बाद में आप लोगों ने भी शायद एक्सपीरियंस करा होगा, जो 11th 12th में हो गया, फिर जो पास आउट ग्रेजुएट्स हो चुके हैं, या फिर अभी जो 9th या 10th में हो गए, उनको किसी को भी ये पता नहीं होता है कि हमको आगे सब्जेक्ट क्या लेना है। मतलब सब भेड़ की चाल चलते हैं। जिसके 80% बन गए वो साइंस मेंस ले लो या फिर बायो ले लो, जिसके 60% बने हैं वो कॉमर्स ले लो, और जिसके अगर 40% बने हैं तो वो आर्ट्स ले लो। ये क्या हुआ भाई? मतलब आपके परसेंटेज डिसाइड करेंगे, एक मार्कशीट डिसाइड करेगी आप लोगों की, कि आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। हो सकता है बच्चे का मूड ना रहा हो उस टाइम पर पढ़ने का, या फिर हो सकता है कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस रहे हो, या फिर कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम्स रही हो उस टाइम पर जो उनको पढ़ने में नहीं आया हो। तो मतलब वो चीज़ एक जो उस टाइम पर जो 4-5 महीने का जो पीरियड रहा, या फिर ऐसा कोई पीरियड रहा, मतलब जो 10th वाला, उसके बेसिस पर उसकी पूरी लाइफ डिसाइड होगी। ये कैसे? और पेरेंट्स भी बिल्कुल मान लेते। जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि एक स्कूल में आर्ट्स सब्जेक्ट नहीं था, तो उसने उन टीचर्स ने जो इसको फॉर्म भर रहे थे सब्जेक्ट के, उन टीचर्स ने उन बच्चों को बोला कि यहाँ पर तो आर्ट्स नहीं है, तुम कॉमर्स ले लो। आर्ट्स कौन से बच्चे लेते? अरे भैया, IAS ऑफिसर्स वगैरह जो रहते, जैसे मेरा कॉमर्स था, लेकिन मैंने MBA कर रखा है टॉप कॉलेज से, लेकिन फिर भी मुझे अभी UPSC के लिए, जब मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे 6 से लेकर के 12th तक की सारी सोशल साइंस की बुक्स पढ़ना पड़ी, उसके बाद में मुझे एडवांस बुक्स पढ़ना पड़ी, तो ये सारा आर्ट्स मुझे पढ़ना पड़ रहा है, जबकि मैंने टॉप कॉलेज से MBA किया है, लेकिन फिर भी मुझे आर्ट्स पढ़ना पड़ रहा है। तो आर्ट्स बिल्कुल भी बेकार सब्जेक्ट नहीं, आर्ट्स सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। बहुत ही ज़्यादा इस सब्जेक्ट में ऐसी बात है जो आपको गवर्नमेंट, अगर जॉब करना चाहते हैं तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए, और अगर आपको कोई ऐसा साइंटिफिक चीजों में जाना चाहिए, आपका शौक होना चाहिए किसी भी चीज का, अगर काम आपका शौक बन जाए, अगर काम करने की आदत बन जाए, तो वो काम सबसे बेस्ट होता है। लेकिन अगर आप काम को किसी भी मजबूरी से या पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, तो काम आपको थका देगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए, हमारे यहाँ पर जो सप्लाई है वो बहुत हाई है। मतलब क्या? हमारे यहाँ पर ग्रेजुएट जो है 88 लाख ग्रेजुएट्स हर साल हो रहे हैं। मतलब कि हमारे यहाँ से कॉलेजेस से 88 लाख स्टूडेंट्स जो है वो पास आउट हो रहे हैं। लेकिन जो डिमांड है कॉर्पोरेट्स की, जॉब देने वालों की जो डिमांड है, वो बहुत ज्यादा कम है। क्यों?
क्योंकि उन लोगों को बच्चों को खाली पास हो रहे हो, मार्कशीट्स पर कागज पर उन लोगों के लिखा हुआ है कि भैया ये पास आउट है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, रियल टाइम एक्सपीरियंसेस नहीं है, इंटर्नशिप नहीं करते हैं वो लोग, उनको मतलब कॉलेजेस में जाते तक नहीं है बच्चे। मैंने यहाँ तक कि यहाँ के कॉलेजेस देखे हैं रतलाम के, उनमें बच्चे जाते तक नहीं है। तो भैया आप लोगों को इस पढ़ाई का मतलब क्या, खाली अगर, और फिर उन बच्चों को क्या रहती है, एस्पिरेशंस इतनी ज़्यादा रहती है, इतनी ज़्यादा रहती है कि भैया हम ग्रेजुएट्स हो गए अब हम लोगों को बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन जब वो रियल लाइफ में जब जाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जॉब लेने जाते हैं, तो उनको 5, 8, 10, 12, 15 हज़ार जो हमारे टीयर 3 सिटीज़ है उनमें इतनी ही जॉब मिलती है, इससे ज़्यादा की जॉब मिलती नहीं है। तो बच्चा क्या हो जाता, हताश हो जाता, उसको लगता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मतलब इस चीज का मतलब क्या, मुझसे एक अनपढ़ लड़के ने, अनपढ़ लड़का तो नहीं था मतलब कि अभी वो टेंथ में है, मतलब उसने बिल्कुल पढ़ता नहीं है वो लड़का, उसने मुझसे एक बात कही कि सर मैं पढ़ के क्या करूंगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी, उनको भी नौकरी का मिल रही है, तो इससे अच्छा मैं अनपढ़ ही रहता हूँ। मतलब हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम ने एजुकेशन को ही पूरा चेंज कर दिया है। मतलब बच्चों के सामने हम लोग इस तरीके से पोर्ट्रे करते कर रहे हैं इस चीज़ को कि हम लोग पढ़े लिखे लोगों को भी जॉब नहीं मिलती है, और वो जॉब क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे पास रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं है, हम लोग 10 से 20 साल पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को जॉब कैसे और क्यों मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग भी ये सोचिए कि अगर आप लोग अपने यहाँ पर किसी नौकर को जॉब दे रहे, अगर आप उसको 10,000 की सैलरी दे रहे हैं, तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको 50,000 कमा के दे, वरना आप जॉब पर क्यों रखेंगे उसको, ओके? उसके बाद में अंडर एम्प्लॉयमेंट, देखिए अंडर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से भी सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है कि बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट में ये होता है नौकरी तो है लेकिन उतनी तनख्वाह नहीं है उस इंसान की जिस तरीके से वो अपना जीवन आराम से लाइफस्टाइल को जी सके, ओके? तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, क्योंकि उसका जो है उसका ब्योरा बिल्कुल भी नहीं आता, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट पे भी नहीं आता वो इंसान, और एम्प्लॉयमेबल पे भी नहीं आता है। मतलब ये कि वो इंसान ना नौकरी रोजगार है उसके पास और ना रोजगार है, मतलब ये कि वो बीच में अटका हुआ है, तो उसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और हमारे यहाँ पर इसी का आंकड़ा सबसे ज्यादा है, 93% जो है अनएम्प्लॉयबल है, मतलब ये कि उनको काम बिल्कुल भी नहीं आता है, उनको नौकरी पे रखा नहीं जा सकता है, ओके? उसके बाद में हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं ना उनका वेल फील्ड माइंड है, मतलब ये कि हमारे यहाँ पे पढ़ने का तरीका क्या है, एग्जाम टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए, जैसे मैं रतलाम के कुछ टीचर्स को जानता हूँ जो एक दो घंटे पहले ही आपको कुछ दे देते हैं एग्जाम के पहले, और फिर बच्चे बस उसी को रट के चला जाते हैं। मतलब ये कि हमने एग्जामिनेशन का सिस्टम को क्यों हो रही एग्जाम उसको ही पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। मतलब किसी को ये पता नहीं कि एग्जाम क्यों हो रही है, बस एग्जाम देना है, मार्कशीट पे अच्छे नंबर चाहिए जिससे कि करियर अपना डिसाइड हो जाएगा, बस बच्चों को यही पता, उनको ये पता नहीं कि आपको रियल लाइफ में जॉब कैसे मिलेगी। जैसे गूगल जो है, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वगैरह है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, एप्पल वगैरह, इन लोगों ने अब ग्रेजुएशन की डिग्री लेना ही छोड़ दिया है। मतलब ये कि आप स्किल्स टेस्ट ले गए लोग और उस पे ही आपको जॉब देंगे, इनको अब डिग्री से कोई मतलब नहीं। और यहां से जो जाते हैं बाहर अपनी डिग्रीज लेकर के, उन लोगों को जो कंपनी वालों को उनकी डिग्रीज की जरूरत नहीं है, वो लोग स्किल टेस्ट करते हैं। अगर आप में, अगर आप कम पढ़े लिखे भी, परसेंटेज कम भी है मार्कशीट पर, उसका इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका माइंड जो रहता है ना उसको आप अच्छे से ट्रेंड रखिए, तो वेल फील्ड माइंड मत बनिए, वेल फॉर्म्ड माइंड बनिए। मतलब ये कि अपने आपको, अपने एजुकेशन जो आप ले रहे हैं, जो नॉलेज ले रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कहाँ पर करना है। जैसे बाबर अकबर इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग सारी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या, वो क्यों पढ़ रहे, बच्चों को पता नहीं है, बस बच्चे बोर होते रहते, बच्चे बोलते, वो सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर अकबर बाबर चले गए लेकिन हम पर ये थोप गए, हम पर हिस्ट्री थोप गए। नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर आप लोगों को इस चीज से जो भी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती है, अगर आप लोग पूछना चाहते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, तो आप लोग मुझसे, मैं आप लोगों को फ्री काउंसलिंग दूंगा, आप मेरे नंबर पर कॉल कीजिए, आपको नंबर नीचे मिल जाएगा, ओके? उसके बाद में देखिए, स्टूडेंट्स की एस्पिरेशंस इतनी ज्यादा हाई होती है कि मतलब उनको लगता है कि हमको जॉब बहुत अच्छी मिलेगी, मतलब हम लोग अब ग्रेजुएट हो गए तो हमको 50,000 या फिर 1,00,000 की जॉब मिलेगी, जबकि मिलती कितनी है 10,000 की। तो बच्चे के बिल्कुल पूरा मतलब डीमोटिवेटेड हो जाता है बच्चा, तो ये प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये है कि ये टॉप कॉलेजेस है दुनिया के,
ठीक है, इनसीड हो गया, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल हो गया, लंडन बिजनेस स्कूल, वॉर्टन, स्टैनफोर्ड, ये सब जो है इनमें जो प्रोफेसर्स है, प्रोफेसर्स की जो तनख्वाह है 16 लाख से 45 लाख रुपए महीना है। तो भैया ऐसा आदमी जो रहेगा जिसको 16 लाख से 45 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिल रही है, तो वो तो बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छे से एक्साइटेड रहेगा और एक्साइटेड होकर बच्चों को पढ़ाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज देगा, उससे क्या होगा बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है इनकॉम्पिटेंट फैकल्टी की वजह से, हमारे यहाँ पे इनकॉम्पिटेंट फैकल्टी मतलब ये कि फैकल्टी को ही एक्सपीरियंस नहीं उस चीज का, फैकल्टी को ही बहुत सारी चीजें नहीं आती है। जैसे हमारे रतलाम में भी बहुत सारे जो कॉमर्स पढ़ा रहे हैं उनको ये नहीं पता है, वो कभी आज तक कॉर्पोरेट में जॉब नहीं करी होगी, मैंने कॉर्पोरेट में जॉब कर रखी इसलिए मुझे पता है कि वहां पर कैसे क्या चलता है। तो मैं इसीलिए बच्चों को रियल लाइफ का एक्सपीरियंस देना चाहता हूं, कॉर्पोरेट्स की डिमांड क्या है। तो हम लोग गुरुश्री बेसिकली ये काम कर रहा है, जो स्टूडेंट्स हो रहे हैं, जो कंजप्शन है जहां पर कॉर्पोरेट्स में और जो स्टूडेंट्स हमारे यहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन दोनों को मिलाना हम मतलब ये करना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को ऐसे ट्रेंड करना कि बच्चों को कॉर्पोरेट्स में अच्छे से जॉब मिले, जो डिमांड है, जो रियल लाइफ की डिमांड है, उनको उस तरीके से तैयार करना। ओके, देखिए इस चीज को आप इस तरीके समझ सकते हैं कि अगर आप किसी जगह पर दुकान पर बहुत सारा सामान बनता जा रहा है और कोई खरीदने वाला नहीं है तो दुकान चल नहीं पाएगी, ठीक है, उसी तरीके से ये हो रहा है। देखिए अमेरिका और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में ये डिफरेंस है। इंडिया में क्या हो रहा है कि भैया खपत तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप बनाते जा रहे किसी भी सामान को, तो कैसे काम करेगा, वो बिकेगा ही नहीं। और अमेरिका में क्या है, रियल एक्सपीरियंस दे रहे, मतलब कि ये वहां पर बच्चे जो रहते हैं 5-6 साल की एज से ही कोडिंग चालू कर देते हैं अपने आप में। तो उससे क्या हो रहा है, जैसे कि देखिए आपने एलोन मस्क को देखा है, बिल गेट्स वगैरह ये जितने भी है, इन लोगों ने अपने, क्योंकि इन लोगों ने किया है, जैसे अमेरिका में सबसे जो भी व्यक्ति है, जो भी इंसान रहते हैं, मतलब 80% लोग मैकडोनल्ड में एज अ वेटर वर्क करते हैं, क्योंकि वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस लेते हैं। हमारे यहाँ पर अगर कोई बच्चा वेटर का काम करता है, जैसे मैंने भी रियल लाइफ में जब 12th में था मैं, तो मैंने वेटर का काम किया था। तो यहाँ पर हमारे पेरेंट्स की क्या है कि अरे वेटर का काम कर रहा है, आप लोगों को मतलब कि बेइज्जती का काम है। नहीं, वेटर का काम कोई बेइज्जती का नहीं, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, इंसान की सोच बड़ी छोटी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगले वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं और गुरुश्री के साथ आप लोग जुड़े रहिए, आप लोगों को बहुत सारी अच्छे अच्छे न्यू आइडियाज मिलेंगे। हम लोग एजुकेशन और बिजनेस सॉल्यूशन दोनों देते हैं। जैसे हमारे रतलाम के लोगों को बिजनेस करना नहीं आता, स्केल अप कैसे करें बिजनेस को, तो उसके लिए मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। और आर्ट्स और कॉमर्स के लिए मतलब मैं दोनों पढ़ाता हूं, और उसके लिए आपको पूरे रतलाम में अगर मुझसे बेस्ट टीचर मिले तो प्लीज मुझे कॉल करके बताइएगा। धन्यवाद।